पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर खुद लड़ रही है, स्वयं बल पर लड़ रही है, कोई लोकल गोवन पार्टी को साथ में नहीं लिया, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गोवा में एक बड़ा विस्तार हुआ है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे पास वोटर भी है, केडर भी है, और लगातार हमारे केडर को लगता रहा है कि हमने 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लड़ना चाहिए। ये बात और है कि हमने जरूर ये प्रयास भी किया था कि यहाँ की जो लोकल पार्टी है उसके साथ हम अलायंस करें, किंतु हमारी उनके साथ बात नहीं बनी, और हमने तय किया कि फिर 40 सीटों पर हम लड़ेंगे। और आज मुझे बहुत खुशी है कि पूरी 40 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। पिछली बार 2017 में ये हुआ कि महाराष्ट्र जो गोवा विकास गोवा फॉरवर्ड पार्टी है उसके सहयोग से आपने सरकार बनाई, लेकिन इस बार उनको साथ न लेने का रीजन क्या है? एमजीपी को साथ न लेने का रीजन क्या है? देखिए, ये दोनों पार्टियों के साथ हमारा जो गठबंधन है वो 2019 में टूट गया था। मतलब ये नहीं कि हमारे साथ सरकार में बाद में थे, बाद में तो सरकार हमारी अपने बलबूते पर थी। 10 लोग हमारे बीच कांग्रेस पार्टी से डायरेक्ट आए थे और एक पूरी मेजोरिटी की सरकार हमारी बनी थी। तो मुझे लगता है कि ऐसी तो बात नहीं है कि हमारे साथ थे और छोड़कर चले गए, वो तो 2-3 साल पहले हमारे से वो अलग हो गए थे। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक एमजीपी का सवाल है, हमने ये प्रयास किया था कि एमजीपी को हम साथ रखेंगे, किंतु उन्होंने तृणमूल के साथ जाने का निर्णय किया, और मैं ये मानता हूं कि अब वे बहुत पछता रहे होंगे कि तृणमूल के साथ वो जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो या आप पार्टी हो, इस बार बीजेपी के सामने सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो विरोधी नहीं है, दो और विरोधियां सामने खड़ी हैं। किस तरीके से देखते हैं खास करके ममता बनर्जी की पार्टी को? देखिये, मैं ऐसा मानता हूँ कि ममता बनर्जी की पार्टी को गोवा की जनता ने ऑलरेडी रिजेक्ट किया है। गोवा की जनता ने ममता बनर्जी की पार्टी का व्यवहार बंगाल के चुनाव के बाद देखा, और जिस प्रकार से बंगाल में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, इसका एक बहुत नेचुरल रिएक्शन गोवा में देखने को मिलता है, और लोगों को लगता है कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है। देखिए, कोई जाति धर्म की बात हम नहीं करना चाहते, लेकिन जिस प्रकार का अपीजमेंट ये करते हैं और मेजॉरिटी को जिस प्रकार से इग्नोर करते हैं, तो इसके बारे में लोगों के मन में एक बहुत ही गुस्सा है। और एमजीपी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ये जैसे ही तृणमूल के साथ गई तो गोवा के लोगों को उस पर भी गुस्सा है और उसकी कैडर को भी है। एमजीपी के कैडर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बीजेपी में आया, जो लड़ने वाले कैंडिडेट थे वो भी बीजेपी में आए। उन्होंने कहा एमजीपी जब तक तृणमूल के साथ है हम एमजीपी में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी एमजीपी की आइडियोलॉजी जो ओरिजिनल थी वो आइडियोलॉजी तृणमूल के साथ मेल नहीं खा सकती। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो एमजीपी के ग्रामीण वोटर हैं, जो साउथ गोवा में बसते हैं, जो गांव में बसते हैं, वो कहीं ना कहीं छिटक कर बीजेपी के पास आएंगे क्योंकि ममता साथ में आ गई है? बिल्कुल 100% वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी के विचारों में और एमजीपी के विचारों में कोई ना कोई एक समानता का एक धागा था, लेकिन जैसे ही वो तृणमूल के साथ गए वो धागा टूट गया, और अंदर से तो आज वो भी पछता रहे, लेकिन अब निर्णय तो लिया है तो उसको डिफेंड करना पड़ता है। लेकिन जो अगर हम गोवा फॉरवर्ड पार्टी की बात करें, कांग्रेस को उसका कितना बेनिफिट मिलेगा? पिछली बार कांग्रेस बहुमत में थी, लेकिन गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने आपकी सरकार बनाई। देखिए, गोवा फॉरवर्ड पार्टी बची कहां है? 3 लोग थे, उसमें से एक हमारी पार्टी में आ गए, एक और कोई अन्य पार्टी में चले गए, सिर्फ विजय सरदेसाई अकेले बचे। तो गोवा फॉरवर्ड कोई पार्टी नहीं थी उस समय, एक गुट तैयार हो गया था जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया था। कोई आइडियोलॉजी है, कोई वेट्रोबेस है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। और आपको किस तरीके से आप चैलेंज के रूप में देखते हैं? करप्शन का मुद्दा उठा रही है, बिजली बढ़ोतरी का मुद्दा उठा रही है, गोवा में पानी बिल का मुद्दा उठा रही है आप पार्टी? देखिए, हम चमत्कार चाहते हैं जैसे दिल्ली में हुआ। देखिए, हम तो लोगों के सामने आपका आईना रख देते, और दिल्ली में किस प्रकार के वादे उन्होंने किए थे और दिल्ली की क्या परिस्थिति है लोगों को बताते हैं, और दिल्ली में जो चीजें उन्होंने कही या यहाँ आकर जो चीजें वो कह रहे हैं वो तो हमारे मनोहर पर्रिकर जी ने पहले ही कर दिए। हेल्थ स्कीम हो, पेंशन की स्कीम हो, ये सारी स्कीमें बीजेपी की सरकार ने लागू कर दी है। सब्सिडाइज पानी हो,
यहाँ लागू है, तो कोई नई चीज वो लेकर नहीं आ रहे, उल्टा उनका चेहरा जो है वो असली क्या है, ये दिल्ली के सारे अनुभव के आधार पर हम लोगों के सामने ला रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई बहुत ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा। लेकिन आपके नेताओं से बात हुई, अमित पालेकर से बात हुई, वो तो कह रहे हैं अंडरकरंट बह रहा है, इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। उनका ये दावा है कि कांग्रेस बीजेपी के जो वोटर है वो आप में आ रहे हैं, जो करप्शन के खिलाफ जो कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस या बीजेपी एक दूसरे को सरप्राइज कर रही है। अगर ऐसा कोई अंडरकरंट होगा तो अंडरग्राउंड ही रहेगा, ग्राउंड के ऊपर नहीं आने वाला। ग्राउंड पे कोई करंट नहीं है, ग्राउंड पे लोग बीजेपी को चुनकर देना चाहते हैं और आपके ऊपर कोई लोगों का विश्वास नहीं है। सर, आपने मनोहर पर्रिकर जी की बात करी, गोवा में कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि उनका बहुत योगदान है गोवा में बीजेपी को बढ़ाने में और मजबूत करने में, लेकिन उनके परिवार के एक सदस्य ने जो टिकट मांगा तो क्यों बीजेपी ने नकार दिया, आखिर कारण क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि बीजेपी ने टिकट नकारा नहीं, बीजेपी ने उनको दो ऑप्शन दिए कि आप अगर लड़ना चाहते हैं तो ये दो ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आप चूज कीजिए, क्योंकि आप जहां टिकट मांग रहे हो वहां पर एक सिटिंग एमएलए है जो हमारी पार्टी में आने के कारण हमारी पार्टी की सरकार बचाने में एक भूमिका रही है, और वो ऐसा आदमी है कि जिसको हमारे साथ लाने के लिए उस समय मनोहर भाई ने भी प्रयास किया था। तो ऐसे व्यक्ति को अब इस समय अगर पार्टी टिकट डिनाई करेगी तो एक पार्टी की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल होता है। इसलिए आपको हम ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसी देते हैं, इनमें से कोई भी आप एक चूज कीजिए, वहां पर आपको चुनकर लाएंगे। 5 साल बाद हम आज ही प्रॉमिस करते हैं कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मांगी है हम आपको वहां पर लाएंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने दी थी उसमें से एक तो ऐसी थी कि जहां बीजेपी कभी हारती नहीं है, पारंपरिक बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी। पर अगर कोई ये कहेगा कि मैं कहता हूं वैसा ही होना चाहिए तो संभव नहीं होता। लेकिन कल उत्पल से हमारी बात हुई, उत्पल कह रहे हैं कि बाबूश को जो टिकट दिया, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बहुत लंबा इतिहास है, किसी और को देना चाहिए था, बाबूश से उनकी लड़ाई है, बीजेपी से उनकी लड़ाई नहीं है। देखिए, सबसे पहले बाबूश को मंत्री बनाया था मनोहर भाई पर्रिकर, बाबूश को डीडीए चेयरमैन बनाया था मनोहर भाई पर्रिकर। तो पार्टी के विस्तार की दृष्टि से कोई ना कोई विचार तो मनोहर भाई का रहा होगा, मनोहर भाई से साफ सुथरा राजनीति करने वाला तो कोई नेता नहीं है। तो जब उन्होंने ऐसा निर्णय लिया तो आज और आप 2.5 साल 3 साल तक उनके समर्थन से सरकार चलाते हो तब आप ये आक्षेप नहीं लेते, और आज आप ये आक्षेप लेते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तर्क दिया जा रहा है ये तर्क ठीक नहीं है। बाबूश से भी बात हुई है, इस बारे में मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। बाबूश का कहना है कि 30 गांव में जो 5 विधानसभा है वो सब जीत के लाएंगे, बीजेपी को बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। 30 गांव में उनकी पत्नी भी खड़ी है जेनिफर, और उनके और दो सहयोगी खड़े हैं, बाबूश को भी कहीं से कर सकते थे हम लोग, अगर एडजस्ट करना होता। देखिए, पहली बात तो यह है कि उनकी पत्नी छोड़कर उनका कोई सहयोगी नहीं, बीजेपी के एमएलए जिनको हमने टिकट दिया है, तो ये कहना गलत है कि 5 जगह उनके लोगों को दिया। बाबूश से हमने बात की थी तब बाबूश ने भी ये मंजूर किया कि देखिए अभी तो मेरे पास दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, मैं भी पंजी से लड़ूंगा, लेकिन आपकी ये बात मैं मानता हूं कि 5 साल बाद आप यहाँ उत्पल को लाना चाहते हैं तो मैं आज ही प्रॉमिस करता हूं कि 5 साल बाद मैं यहाँ टिकट नहीं मांगूंगा। अब इससे ज्यादा फेयर तो डील नहीं हो सकती। एक और सवाल ये है कि परिवारवाद के खिलाफ पूछा कि जब निधन हुआ मनोहर पर्रिकर जी आप क्यों नहीं आए फ्रंट में, क्यों आपने एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि परिवारवाद का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। तो अब वो जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ताओं के कहने पर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं विश्वजीत राणे के परिवार में 2 लोगों को टिकट मिला, बाबूश को परिवार में 2 लोगों को टिकट मिला, तो कांग्रेस की राह पर बीजेपी चल रही है, ऐसा उनका आरोप। देखिए, पहली बात तो उत्पल को अगर हम अभी टिकट देते तो वो परिवारवाद नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि मनोहर भाई रहे नहीं है, उसके बाद 2-3 साल भी गए हुए हैं, अभी पिछले साल 1.5 साल से वो पार्टी में भी एक्टिव है, तो कोई परिवारवाद के चलते उनका टिकट नहीं कटा है। हमने जो उनको ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शन उन्होंने नहीं स्वीकारे, इसलिए उनको हम टिकट नहीं दे पाए, और उसका दुख भी है हमको। जहां तक
उन्होंने जो बातें कही है तो बाबूश या जेनिफर ये एज ए एमएलए हमारी पार्टी में आए तो उनको तो टिकट देना पड़ेगा, या विश्वजीत राणे या फिर जो दूसरी परीय कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एक टिपिकल परिस्थिति है जो हमारी पार्टी में आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद को जगह नहीं है और 2014 के बाद 99% केसेस में एक हाथ केस होगी तो मुझे पता नहीं है पर मैं जहां तक देखता हूं ऐसा टिकट नहीं दिया गया। सर आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कल आप सीएम प्रमोद सावंत की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नामांकन का पर्चा भरने गए, उसके बाद आपने बैक टू बैक 5 अलग अलग डोर टू डोर कैंपेन किया उम्मीदवारों के लिए, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ रही है अगर बीजेपी इतनी स्ट्रांग है गोवा में? देखिए कोई भी पार्टी कितनी भी स्ट्रांग रहे चुनाव में मेहनत करनी ही चाहिए, कॉम्प्लेसेंसी ये चुनाव में कभी जीत नहीं दे सकती और लोगों की अपेक्षा चुनाव में होती है कि जिनको हमने चुनकर दिया है या जिनको हम चुनकर देना चाहते हैं वो हमसे मिले, वो हमको एक्टिव दिखे। और गोवा में अभी एक सिंगल पोल के रूप में बीजेपी है और बाकी सारी पार्टियां बीजेपी पर अटैक कर रही है, तो हमको तो ताकत के साथ सजगता के साथ एक्टिवली उतरना ही पड़ेगा, हम उतरे। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, गोवा में एक बहुत पुरानी कहावत है जिसके है दो चार विधायक वो चुनेगा जनता का नया, तो इसका मतलब ये होता है कि नीति सिद्धांत किसी के पास नहीं है, कोई भी पाला बदल लेता है, कहीं भी चले जाता है। कांग्रेस ने काफी एक शपथ विनती करा दी बाकायदा अपने उम्मीदवारों की, बीजेपी क्या ऐसा कुछ प्रयास कर रही है कि जो उम्मीदवार जीतेगा उसको साथ में रखने के लिए प्रयास कर रही है? देखिए हम तो ईश्वर की शपथ जो है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में आप ईश्वर को नहीं जनता को उत्तरदायी हैं, तो जनता के सामने वादे करने चाहिए और संविधान की शपथ लेनी चाहिए। तो कांग्रेस ने जो किया है वो एक डर के मारे किया है, अपने लोगों पर उनका विश्वास नहीं है, उनको ये लगता है कि उनके लोग चुनकर आएंगे तो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। इसका कारण है कि लीडरशिप बहुत कमजोर है, लीडरशिप कहीं पर भी लोगों में एक प्रकार से कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, गोवा में स्टेबिलिटी लाने का काम बीजेपी ने किया। गोवा ने वो समय देखा है जब 5 साल में 7 मुख्यमंत्री गोवा में बने और मनोहर भाई पर्रिकर के गोवा को स्टेबिलिटी देने, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, इन की वर्ड्स को यथार्थ में लाने वाला व्यक्ति कोई होगा तो मनोहर भाई पर्रिकर है। और पिछले 10 सालों में हमने एक स्टेबल गवर्नमेंट दी है, तो जिसके 4 वो बनाए सरकार, इसको हमने कहीं ना कहीं छेद दिया है। तो 5 साल आप मांग रहे हैं जनता से प्रॉस्पेरिटी देने के लिए, उनको खुशियां देने के लिए, और किस तरीके से खुशियां देंगे? क्या ऐसा काम है जो अभी और करना बाकी है आपको लगता है आपकी सरकार में? देखिए कुल मिलाकर हम विचार करें तो हमें डेवलपिंग इकोनॉमी है और डेवलपिंग इकोनॉमी में जब तक हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये दोनों को अंतिम आदमी तक नहीं पहुंचाते तब तक विकास का कार्य समाप्त नहीं होता, और ये कार्य 5 या 10 साल में नहीं होता, इसको एक थोड़ा अरसा लगता है। आज जिस गति के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट गोवा में हो रहा है, हमारा विश्वास है कि अगले 5 सालों में आखिरी आदमी तक हम इसको पहुंचा पाएंगे, और इसलिए हम कहते हैं कि अगले 5 साल ये समृद्धि के हो। सर गोवा से थोड़ा हटकर हम महाराष्ट्र में जहाँ पर आप सीएम रहे हैं वहाँ की बात करें, 2 ज्वलंत मुद्दे में आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, आपके 12 जो निलंबित विधायक हैं उनका निलंबन रद्द किया है, पहली बार ऐसा शायद नहीं हुआ है लेकिन अमूमन ऐसा बहुत कम होता है कि विधायिका के ऊपर न्यायपालिका को जो है कोई आदेश पारित करना पड़े, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए विधायिका का एक अपना अधिकार है और अमूमन हमारे न्यायालय जो है वो उसका सम्मान करते हैं और उसमें दखल नहीं देना चाहते, किंतु विधायिका का दुरुपयोग करते हुए कोई सरकार
अगर असंवैधानिक कृति करेगी तो न्यायालयों को उसमें दखल देना ही पड़ेगा। और उसी प्रकार की यह परिस्थिति है कि जहां पर एक कहानी गढ़कर एक षड्यंत्र के तहत हमारे 12 विधायक जो पिछड़ों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, ओबीसी के लिए लड़ रहे थे, उनको सस्पेंड किया गया और एक आर्टिफिशियल मेजॉरिटी तैयार करने के लिए 1 साल के लिए उनको सस्पेंड किया गया और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक तो है ही, ये इल्लीगल भी है और इरेशनल भी है। तो एक तमाचा जड़ा है, तमाचा इस एमवीए की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने इनके लोकतंत्र विरोधी रवैये पर एक तमाचा जड़ा है। तो शीतकालीन अधिवेशन के पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 12 विधायकों की अर्जी दी जाए और स्पीकर जो है उस अर्जी के ऊपर जो है कंसर्न ले, उसके ऊपर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीधे दखल नहीं देना चाहता था। देखिए हमारे जो ये इंस्टीट्यूशंस है ना, ये परस्पर रिस्पेक्ट के आधार पर चलते हैं। इसमें बहुत थिन लाइन है, कोई वाटरटाइट कंपार्टमेंट नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर जरूर है लेकिन संविधान सर्वोच्च है, तो उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका को और सरकार को एक मौका दिया था कि भाई आप ही अपनी चूक को सुधार लीजिए तो हमको दखल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये सरकार इतनी अहंकारी है और संविधान विरोधी है कि सरकार ने उसको नजरअंदाज कर दिया। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ये संविधान की कस्टोडियन है और एक कस्टोडियन के नाते सुप्रीम कोर्ट को इस सारी चीज का दखल लेना पड़ा और आज का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अभी भी नवाब मलिक कह रहे हैं कि स्पीकर जो है इस पर निर्णय लेंगे, पूरा जजमेंट आने के बाद क्या निर्णय लेना है स्पीकर को, वो उस पर निर्णय लेंगे। अभी भी उनकी यही लाइन चल रही है। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये इग्नोरेंस है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने लिया हुआ निर्णय हमारी संसद भी मान्य करती है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदलने का कोई भी अधिकार ये विधानसभा के पास नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन न करना इट अमाउंट्स टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जिसमें सरकारें बर्खास्त हो सकती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी अकल इनको आएगी और ये सही निर्णय लेंगे। सर एक आखिरी सवाल महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, जो किराना स्टोर पर वाइन बेचने का निर्णय लिया है सरकार ने, इनकम जनरेट करने की बात की जा रही है, संजय राउत कह रहे हैं कि वाइन और लिकर पे फर्क होता है, इस पर आपकी क्या राय? देखिए मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र को मध्य राष्ट्र बनाने का ये जो प्रयास चल रहा है इसकी हम निंदा करते हैं। ये प्रयास 8 से 10 साल पहले तब की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने किया था, हमने बहुत विरोध किया था, अन्ना हजारे जी ने भी विरोध किया था, तब ये फैसला वापस लेना पड़ा था। पर अब आजकल तो ये इतने निर्लज्ज हो गए कि इनको ऐसे फैसले करने में कोई दुख नहीं होता, दुविधा नहीं होती। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि इस फैसले के पीछे किसने डील की है, क्या डील है, ये हमको समझनी चाहिए। व्हाट इज द डील, ये हमको समझनी चाहिए। डील यानी बिल्कुल डील है। देखिए मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन नेता है कि जिनके करीबी लोगों ने पिछले दिनों कंपनियां शुरू करके और शराब की एजेंसियां या उनके साथ डीलिंग की है, ये उनके फायदे के लिए किया गया है क्या, ये मेरा सवाल है। और जहां तक संजय राउत का सवाल है, न मैं लिकर पीता हूँ न वाइन पीता हूँ तो मुझे उसमें अंतर क्या है पता नहीं, पर मैं संजय राउत को पूछना चाहूंगा कि अगर वाइन लिकर नहीं है तब सरकारी कार्यक्रमों में जूस की जगह वाइन रखेंगे क्या, क्या सरकारी कार्यक्रमों में कोल्ड ड्रिंक की जगह वाइन सर्व की जाएगी क्या, क्या इस निर्णय का विरोध करेगी बीजेपी? 100% विरोध करेंगे, विरोध है ही,